अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हम जो नई नई वीडियो डालते हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। आपने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय के लिए मिलने वाली रकम अभी तक नहीं ली है तो अब आप ऑनलाइन घर बैठे ही शौचालय के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आवेदन कैसे करना है चलिए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में जाकर टाइप कीजिए स्वच्छ भारत उर्बान। स्वच्छ भारत उर्बान टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप सबसे पहले ऊपर आपको ये स्वच्छ भारत उर्बान की वेबसाइट आपको दिख जाएगी, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको ओपन करने के बाद में आपको हाउस होल्ड एंड सिटीजन पर क्लिक करना है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर IHHL आ जाएगा, तो अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का आगे पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद में आपको इसमें सबसे नीचे आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ये सबसे नीचे आपको दिख जाएगी, इस पर न्यू एप्लीकेशन पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में इस तरह का कुछ फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अब इस फॉर्म को आपको ध्यान से भरकर सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर भर दीजिए, सब उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आप जहाँ रहते हो, गांव या शहर आपका जो भी हो वो भर दीजिए। भरने के बाद में आपका राज्य पूछेगा। राज्य भरने के बाद में आईडी टाइप पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड, तो आप आधार कार्ड यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। अब उसके नीचे आपको आधार कार्ड का नंबर देना है। नंबर भरने के बाद में एंटर द कोड, ये कोड आपको ये 5A7U7Y ये भरकर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। आपने जो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया है उस पर आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब आपको वापस ऐसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप वापस होम पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी जो आपके फ़ोन पर मिली है वो और नीचे जो आपको पासवर्ड मिला है वो भर दीजिए। वो भरने के बाद में आप ये कोड यहाँ पर देखकर इसको भर दीजिए। भरने के बाद आप इस पेज पर लॉगिन हो जाएंगे। अपनी आईडी से सिखाने के लिए आपको लॉगिन होकर बताती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। ये ब्लू बॉक्स दिख रहा है, इसके नीचे आपको आपकी पूरी डिटेल, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी एड्रेस वगैरह था सब आ जाएगा। तो इसके नीचे आपको एक फॉर्म और दिखाई देगा, ये भरकर आपको सबमिट करना है। तो आपका जो स्टेट है, राज्य, वो ऊपर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके नीचे आपको अपना ज़िला, ULB नेम और वार्ड नंबर जो भी हो आपका आप भर दीजिए। उसके नीचे आपको एप्लीकेशन कर्ता का नाम और आपके फादर का नाम और आपका जो करेक्ट एड्रेस आधार कार्ड में है वो सेम भर दीजिए और ये आधार कार्ड लिंक पर क्लिक यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी होगी कि बैंक का IFFC कोड पूछेगा, तो वो कोड आपको आपके बैंक के पासबुक के फर्स्ट पेज पर ही दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा तो आप बैंक में फ़ोन करके भी ये IFFC कोड पूछ सकते हैं। अब आपको नीचे आपका बैंक का अकाउंट नंबर भर देना है, बैंक का अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर, दूसरी बार आपको सेम नंबर भरना है। और इसको भरने के बाद में आपको आपके बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज की फ़ोटो क्लिक करके और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और फ़ोटो अपलोड करने के बाद में नीचे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगेगा, तो आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। और ये फ़ोटो अपलोड करने के बाद में दूसरी साइड में या आप महिला है या पुरुष ये पूछेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर दोबारा यहाँ पर भरना होगा और नीचे आपका आधार नंबर और आपका जो किस टाइप का आप टॉयलेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो पूछेगा।
वो भी आप यहाँ पर भर दीजिए। ये पूरी डिटेल अच्छे से पढ़कर आप भरने के बाद में नीचे अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और कुछ दिन में आपके पास फ़ोन पर आपको मैसेज मिल जाएगा। आपको फॉर्म भरने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर के अपने पीसी से ही फॉर्म भर सकते हैं। नए बिजनेस आइडिया और सरकारी स्कीम के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब